92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 Big FM पर बिग बात, बिग बात। फरीदाबाद के गांव में दलित परिवार को जलाए जाने के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस बीच राहुल गांधी कल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। टीम इंडिया चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला खेलेगी। 5 मैचों की सीरीज में अब तक टीम इंडिया 2-1 से पिछड़ रही है। आज दिल्ली में लाल किले से इंडिया गेट तक कार फ्री डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ प्रतीक के तौर पर रावण के पुतले को जलाने के बजाय आइए अपने अंदर के रावण को और अपने समाज के रावण को जलाएं। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप और दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और दशहरे की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। और पिछले कई दिनों से दिल्ली मेरी जान में हम बात कर रहे हैं उन आदतों की, उन बुराइयों की, जिन्हें हम खत्म कर सकते हैं। हिपोक्रेसी हमारी और हमारे समाज की, हमारा और हमारे समाज का ये जो दोहरा रवैया होता है, जो फेकनेस होती है, इसे हम किस तरह खत्म कर सकते हैं, कैसे हम अपने शहर को, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए अपना छोटा सा ही सही कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बुराई जिससे दिल्ली शहर लगातार जूझ रहा है और जिसका असर हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, वो है पोल्यूशन, दिल्ली की प्रदूषित हवा। इस प्रदूषण के बारे में बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए हम खुद क्या क्या स्टेप्स उठाते हैं? क्या हम कभी ये सोचते हैं कि अपनी कार के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें? क्या हम अपनी गाड़ियों का रेगुलर पोल्यूशन चेक कराते हैं? और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने शहर में प्रदूषण को रोक सकते हैं। दिल्ली सरकार ने एक पहल की है, हर महीने की 22 तारीख को कार फ्री डे का आयोजन किया जाएगा। किसी एक इलाके को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पर उस दिन कार्स नहीं चलेंगी। उम्मीद कर सकते हैं कि इस पहल से कुछ बदलाव आएगा, लेकिन बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। क्या सिर्फ महीने में एक दिन कार फ्री डे मनाने के बजाय हम कार्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं? या कोई और आइडियाज हैं आपके पास जिनसे हम अपने शहर का वायु प्रदूषण कम कर सकते हैं? मुझे कॉल लगाकर बताइए। 3992792739927927 मेरा नंबर है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। सरकार को भी समझना होगा और जनता को भी समझना होगा कि अगर जल्द से जल्द दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने की कोशिशें नहीं की गई तो हम सबकी सेहत को कितना नुकसान हो सकता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज मैं बात कर रही हूं दिल्ली सरकार की कैंपेन अब बस करें के बारे में। इस कैंपेन का मकसद है हर महीने की 22 तारीख को किसी एक इलाके में कार फ्री डे मनाना। क्या है ये पूरी कैंपेन, इस बारे में बात करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय जी। गुड मॉर्निंग गोपाल जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज जानना चाहेंगे कि आपने आज 22 अक्टूबर को कार फ्री डे का आयोजन किया है, क्या है ये पूरा आइडिया, हम दिल्ली वालों को बताएं आप। देखिए, दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण से पूरी दिल्ली परेशान है। इसमें दो हिस्सा है, एक तो ये है जो बाहर से डीजल गाड़ियां आती हैं जिनका दिल्ली में कोई रोल नहीं होता है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है दिल्ली के अंदर बढ़ती हुई प्राइवेट कारों की संख्या। इसलिए दिल्ली को प्रदूषण और जाम से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इसके लिए आज से हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हर महीने की 22 तारीख को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कार फ्री डे मनाएंगे और लोगों को इसकी समस्या के प्रति जागरूक करेंगे, जिससे हम दिल्ली के अंदर एक बेहतर पर्यावरण को बचाए रख सकें और एक आबोहवा को बेहतर बना सकें। जी, तो आज जिस सड़क को आप कार फ्री बना रहे हैं वो सड़क कौन सी है? क्योंकि दशहरे का दिन है, ये लाल किले से इंडिया गेट के बीच में जो दिल्ली गेट आईटीओ होते हुए सड़क जाती है उसको हम लोगों ने चुना है, लेकिन 12 बजे तक ये कार फ्री डे रहेगा। इस दौरान जो है कारों को हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि वो लोग इस सड़क पे ना आए, लेकिन लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए जीटीसी की बसें चल रही हैं, कई ऑटो चालक हैं जो फ्री में ऑटो सेवा इस कार फ्री डे को सपोर्ट में कर रहे हैं, चल सकते हैं। और इस पूरे मुहिम को जो दिल्ली ने मिलकर के शुरू किया है आज, उसको सफल बनाएं और जिससे कि आगे हम लोग इसको धीरे धीरे करके पूरी दिल्ली में फैला सकें। जी, तो गोपाल जी, अगर कोई इंडिया गेट के आसपास कार लेके गलती से आ गया है तो पार्किंग कहाँ करेंगे लोग? इंडिया गेट पे पार्किंग है, भगवान दास
रोड पर पार्किंग है, लाल किले के पास पार्किंग है जी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप उस एरिया में कार घुसने नहीं देंगे आज? स्ट्रिक्टली तो हम नहीं कहें क्योंकि ये अवेयरनेस कैंपेन है, बट हाँ निवेदन इतना जरूर करेंगे कि दिल्ली वालों की सांस और दिल्ली वालों की जिंदगी को बचाने के लिए हम सब जरूर भागीदारी करें जी। तो अभी से बताना चाहेंगे कि 22 नवंबर को कहाँ कार फ्री डे होगा, किस इलाके को आपने चुना है? दिल्ली के अंदर अगला प्लेस को लेकर के प्रस्ताव लोगों के आ रहे हैं, कनॉट प्लेस का आउटर सर्किल है, दूसरा साउथ के अंदर हम लोग कोई रास्ता ले सकते हैं, द्वारका के तरफ से प्रस्ताव लोगों का आ रहा है, बीआरटी का जो रूट था मूलचंद से अम्बेडकर नगर तक उसका भी प्रपोजल लोगों का आया है, बट आखिरी फैसला तो हम ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठ करके करेंगे। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये आइडिया गोपाल जी, बस चलते चलते एक निवेदन मेरा है कि दिल्ली में ट्रक फ्री डे भी बना दिया कीजिए कभी कभी। निश्चित रूप से ट्रक फ्री डे बनाने के लिए बाहर से इतने ट्रक इंक्रीज है, कोर्ट ने फैसला किया है पोल्यूशन सेस लगाने पर, वहाँ सभी 9 जो एंट्री मेजर पॉइंट्स हैं वहाँ पर कैमरे का और वहाँ मॉनिटरिंग का सिस्टम दिल्ली सरकार डेवलप करने जा रही है जी। कुल मिलाकर के मकसद ये है कि सरकार हो या समाज सब मिल करके जब ठानेंगे, इस बात का भरोसा है कि दिल्ली को जहरीली सांसों से हम मुक्ति दिला पाएंगे जी। लेकिन जब आप लोग ट्रक्स के अगेंस्ट कोई एक्शन करना चाहते हैं तो आपके ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर बैठ जाते हैं, आपको प्रेशर में आ जाते हैं? प्रेशर तो हर तरफ से आता है, लेकिन इस कैंपेन जो अब बस करें कैंपेन है, इसका मकसद ही यही है कि लोगों को सेंसिटाइज करना जी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल राय जी हमसे बात करने के लिए। तो अगर आप लोग भी इस कार फ्री डे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या आप कोई और आइडिया देना चाहते हैं दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो मुझे कॉल लगाइए। 3992727 मेरा नंबर है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा प्रदूषण है हमारे शहर दिल्ली में, और थोड़े की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत है इस प्रदूषण को खत्म करने के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और आज बात हो रही है दिल्ली के एयर पोल्यूशन से निपटने की एक कोशिश की। दिल्ली सरकार ने आज कार फ्री डे का आयोजन किया है लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक, और कोशिश है कि हर महीने की 22 तारीख को किसी एक सड़क को कार फ्री बनाया जाए। और इस कैंपेन अब बस करें के बारे में बात करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रही हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से अनुमिता रॉय चौधरी जी। अनुमिता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऋचा। अनुमिता जी सबसे पहले तो एक रिमाइंडर जो बार बार जरूरत पड़ती है, दिल्ली में वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है? देखिए हमेशा हमें ये याद रखना होगा कि आज ऐसी नौबत आ गई है एक शहर में कि हर घंटा 3 मौत होते हैं वायु प्रदूषण के कारण, और उसके साथ साथ हर तीसरा बच्चा उसके जो अपने लंग्स हैं लंग फंक्शन में इम्पेयर हो चुका है। तो इससे आप हमें एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जन सेहत की जो बात हो रही है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के बारे में जो आज बात हो रही है, ये कितनी खतरनाक एक लेवल तक पहुंच चुकी है ये। तो ये जो दिल्ली सरकार ने आज से एक पहल की है कार फ्री डे की, इस बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए कार फ्री डे अभी देश भर में और दुनिया भर में मनाया जाता है काफी शहरों में, और इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि किस तरीके से हम लोगों में एक जागरूकता लाएं कि अगर आज हमारे शहर में प्रदूषण और कंजेशन ये समस्याएं इतनी बढ़ चुकी हैं, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी निजी गाड़ियों के ऊपर निर्भरता। अब ये जो तरीके हैं ये करना अच्छी बात है जागरूकता के लिए, पर हम यही कहेंगे कि सिर्फ एक दिन महीने में ही अगर बात रुक जाती है तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। हमें एक दिन से लेके उसको बढ़ाना है, सुविधाएं बनानी है ताकि लोग निजी गाड़ियों को घर पे छोड़कर वो ऑल्टरनेटिव्स को अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि अनुमिता जी भी कह रही हैं कि बहुत कुछ किया जाना चाहिए, बहुत कुछ करना होगा हम सबको मिलकर ताकि हम अपने शहर को अपने बच्चों के लिए सेफ बना सकें। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे दिल्ली के टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर कपिल मिश्रा आपसे बस कुछ ही देर में। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 3992727 मेरा नंबर है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। ये जहां रंगी बनाएंगे और अपने शहर को प्रदूषण मुक्त भी बनाएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और आज बात हो रही है आज दिल्ली में आयोजित हुए पहले कार फ्री डे की। इस कार फ्री डे के मौके पर आज साइकिल रैली का भी आयोजन हुआ है। इस बारे में बात करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर कपिल मिश्रा। कपिल जी गुड मॉर्निंग, आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी विजयादशमी, हैप्पी दशहरा। अच्छा ये बताइए आज ये जो कार फ्री डे के मौके पर साइकिल रैली का आयोजन हुआ है, इसमें आपने भी हिस्सा लिया? हाँ बिल्कुल,
आपने, पूरी कैबिनेट साथ में थी। अरे वाह कपिल जी, हम लोगों से जब लगातार बात कर रहे हैं ना, एक शिकायत आ रही है कि ये कार फ्री डे का आइडिया बहुत अच्छा है, एक दिन आप किसी एक सड़क पर कार ना चलने दें, लेकिन अगर दिल्ली में आप कल्चर मिनिस्टर हैं और साइकिलिंग का या वॉकिंग का कल्चर लाना है, हमारी सड़कें ही ऐसी नहीं है, कोई कहाँ चले कहाँ साइकिल चलाए, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये शुरुआत है, आज तो पहला कदम बढ़ाया है। एक छोटा सा स्टेप था, एक विजयादशमी का दिन था जिसमें ये निर्णय लिया कि सब लोग साइकिल चलाएं, इस रोड पर कोई गाड़ी ना चलाए, एक पहला कदम बढ़ाया है। मुझे लगता है आगे बहुत लंबा फासला तय करना बाकी है, लेकिन दिख रहा है जो जोश था लोगों में, जितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे अपने अपने घरों से साइकिल लेकर, हर समाज के हर तबके से लोग आए हुए थे, तो वो जोश ये बता रहा है कि लोग तो तैयार हैं, शहर तैयार हो रहा है और बदलने का समय आ गया है। जी मतलब हर महीने ये होगा ना, ये छोड़ तो नहीं देंगे? नहीं, ये हर महीने होगा और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हर रोज कार फ्री डे हो जाए। मेरे ख्याल से वही एक आइडियल सिचुएशन होगी जी, ये भयंकर ट्रैफिक और पॉल्यूशन, इससे भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारी बहुत सारी बीमारियां अपने आप खत्म होने लग जाएंगी। जी बिल्कुल, इसके लिए मुझे लगता है आपको बहुत मेहनत करनी होगी, हमारी बसेस अच्छी होनी होगी, हमारी सड़कें अच्छी होनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना होगा। लेकिन नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में कल ही ये फैसला लिया गया है कि 2019 तक वो अपने सिटी सेंटर को पूरी तरह से कार फ्री बना देंगे। अरे वाह, नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत मेहनत करनी है, लेकिन मेरे को ये लगता है जब इंसान ने एक मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया तो मंजिल तो मिल ही जानी है, और अब दिल्ली ने मन बना लिया है, इसको देखकर सब बदलते हैं, जब दिल्ली बदलती है तो देश बदलता है, तो मुझे लगता है देश भी बदलेगा और ये भयंकर पॉल्यूशन और कार और ट्रैफिक जिसकी समस्या से हम जूझ रहे हैं, इससे अब निजात पाने का एक हल्की सी खिड़की खुली हुई दिख रही है जिससे रोशनी आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट आपकी इस कैंपेन अब बस करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए हम भी कोशिश करें कि दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने की जो चौतरफा कोशिशें हो रही हैं उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपना भी दे दें, हम भी अब बस करें। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए, 3992797 मेरा नंबर है, आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, आइए मिलकर अपनी जान को बचाएं। अगर नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो अपना वायु प्रदूषण कम करने के लिए 2019 तक अपने सिटी सेंटर को कार फ्री बनाने का फैसला कर सकती है, तो दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहर दिल्ली में हम ऐसा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा सकते, सोचिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, और आज कार फ्री डे की शुरुआत हुई है दिल्ली में। इस मुद्दे पर मैंने आपसे कहा था कि कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। मैं विद्या बोल रही हूँ सरिता विहार से। मैं पोल्यूशन रोकने के लिए, मेरे पास एक ही कार है, मेरी पूरी फैमिली ऑफ 6 पीपल में, वी आर बोथ वर्किंग एंड आई रेयरली यूज द कार, आई मोस्टली यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच इज मेट्रो, बट वॉट आई फील इज दैट येस इट इज वेरी करेक्ट दैट वी ऑल शुड टेक इंडिविजुअल स्टेप्स टू स्टॉप पोल्यूशन और कंट्रोल पोल्यूशन। अगर कार लोन्स और कार मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रोल ना हो तो हम इंडिविजुअल लेवल में, व्यक्तिगत लेवल में हम जितना भी कोशिश कर लें, पर व्यक्तिगत लेवल में हम पोल्यूशन कम करके अगर इतने मास लेवल में प्रोडक्शन होता रहे और उनकी बिक्री होती रहे, और तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ बैंडेड सॉल्यूशन से कुछ नहीं होगा, हमें बड़े सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे। मेरा नाम चंद्रेश है, मैं गोपाल राय जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने कार फ्री डे मनाया इसकी बजाय कार पुलिंग डे अगर वो एनकरेज करें तो आई थिंक उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, नॉट ओनली सिंगल डे, उसको पर डे मनाया जाए तो बेटर रहेगा, और उस सरकार उसमें सहयोग करे कंपनियों को गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आई थिंक हम पोल्यूशन कुछ कम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। बाकी छोटे छोटे स्टेप से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, अगर घर के चार लोगों को एक ही जगह जाना है तो क्या जरूरत है अलग अलग कारों से जाने की, कोशिश कीजिए कि एक ही साथ चले जाएं। अगर आपके कॉलीग्स आसपास रहते हैं तो कारपूल कर लीजिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कारपूल कर लीजिए, मेट्रो स्टेशन तक भले ही गाड़ी से चले जाइए लेकिन कोशिश कीजिए कि अगले डेस्टिनेशन तक मेट्रो ले लें। कुछ भी कीजिए, आज दशहरे के दिन वायु प्रदूषण को खत्म करने का कोई एक संकल्प तो ले ही डालिए, और इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिद्धार्थ अभी वापस आपके साथ जुड़ेंगे और आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही खास शख्सियत से जिनका आज जन्मदिन है, कादर खान साहब। तो मैं तो जा रही हूँ लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। कल सुबह तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।